हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसका नाम सुनते ही आपके मुंह में रस आ जाएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए बिना कोई देर की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम आज बनाने वाले हैं रसमलाई। रसमलाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 लीटर भैंस का दूध। यहाँ पर आप फुल फैट मिल्क ही लें क्योंकि हम सबसे पहले बनाएंगे छेना बॉल्स। उसके लिए आपको जितना गाढ़ा दूध आप लेते हैं उतने ही ज़्यादा क्वांटिटी में आपका छेना बनेगा। तो सबसे पहले हमें दूध को बहुत अच्छे से गर्म कर लेना, अच्छे से उबाल आने देना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे विनेगर। आप यहाँ पर नींबू का यूज़ भी कर सकते हैं लेकिन जहाँ तक हो सके आप विनेगर का ही यूज़ करें क्योंकि नींबू से खोया जो है वो कम क्वांटिटी में बनेगा और विनेगर से बहुत ही अच्छी खासी क्वांटिटी में आपका खोया बनेगा। मैंने यहाँ पर इसी बोतल का एक ढक्कन जो कि लगभग 2 चम्मच के करीब है विनेगर लिया। इसमें 2-4 बूंद मैंने पानी भी डाल दिया विनेगर के अंदर। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध के अंदर डालते जाएंगे और इस तरह से हल्के हाथ से हिलाते जाएंगे, देखते जाएंगे कि हमारा खोया जो है अच्छे से बना है या नहीं। तो ये लगभग पूरा ढक्कन हमें लग जाएगा अच्छे से खोया बनाने के लिए, दूध को फाड़ने के लिए। ये देखिए, ये पूरा ढक्कन मैंने इसके अंदर डाल दिया है और आप देख सकते हैं किस तरह से पानी और खोया बहुत ही अच्छे से सेपरेट हो गए हैं। बहुत ही अच्छे से पानी और खोया सेपरेट हो गया है। मैं आपको बिल्कुल पास से बताती हूँ। ये देखिए, जब तक आपका भी खोया और पानी बिल्कुल इस तरह से सेपरेट ना हो तब तक आपको इसके अंदर नींबू या विनेगर डालना है। अब सब यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़ा सा बर्तन, उसके ऊपर इस तरह से एक छलनी रखी है। उसके ऊपर रखेंगे हम एक सूती कपड़ा और सूती कपड़े के अंदर हम ये सारा मिक्सचर जो है इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। छेना और पानी को हमें सेपरेट करना है। आप चाहें तो इस पानी को किसी भी सब्जियों की ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर इसे फेंक रही हूँ। ये काफ़ी पौष्टिक पानी होता है, आप चाहें तो इसे सब्जी की ग्रेवी में यूज़ करें। अब मैंने पानी जो है वो फेंक दिया है। अब इस छेने को हमें बहुत ही अच्छे से साफ़ पानी से धो लेना है क्योंकि हमने इसके अंदर विनेगर का यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने नॉर्मल पानी लिया है धोने के लिए। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खासी क्वांटिटी में हमारा खोया बना है। ये देखिए, 1 से 2 ग्लास पानी से हमें इसे अच्छे से धो लेना है। उसके बाद में इस तरह से पोटली के चारों कोनों को पकड़ते हुए बहुत ही अच्छे से इसका सारा पानी जो है हमें निचोड़ लेना है। ये देखिए, इस तरह से हल्का हल्का सा टर्न करते हुए जाना है और इसका सारा पानी अच्छे से सेपरेट कर लेना है। ये देखिए, मैंने इसका सारा पानी सेपरेट कर लिया है। अब मैंने ली है यहाँ पर एक बड़ी सी परात, एक बड़ी सी प्लेट, इसके ऊपर एक छोटी प्लेट। उसके ऊपर रखेंगे हम ये छेने वाली पोटली। हमेशा इससे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इस छेने का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो अलग करना है। इसके ऊपर हम कोई सा भी एक हैवी ऑब्जेक्ट रख देंगे और हमने बड़ी सी प्लेट नीचे इसलिए ली है ताकि जितना भी पानी होगा वो इस प्लेट के अंदर आ जाएगा। ये देखिए, 40 मिनट बाद हमें इसे कम से कम 30 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट के लिए ऐसे रेस्ट करने के लिए छोड़ना होता है ताकि हमारा खोया बहुत अच्छे से बन सके। आप देख सकते हैं हमारा खोया जो है कितना अच्छा, कितना परफेक्टली बन गया है। अब सबसे पहले हम इसे बहुत अच्छे से क्रम्बल कर लेंगे। बहुत अच्छे से क्रम्बल करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर की जगह मैदा भी ले सकते हैं। सिर्फ 1 चम्मच हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और मैदा भी 1 चम्मच ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर मैदा या कॉर्नफ्लोर सिर्फ बाइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो आपके छेना बॉल जो है बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, अंदर से बिल्कुल बंदे बंदे से रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका छेना बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है तो इसके अंदर आप 4-5 बूंद पानी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर हल्का सा मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है और हमें इसको हथेलियों से इस तरह से बहुत ही अच्छे से इसका डो रेडी करना है ताकि हमें मक्खन जैसा सॉफ्ट डो ना मिल जाए। इस प्रोसेस में आपको लगभग 7 से 8 मिनट या 10 मिनट भी लग सकते हैं। अब हमारा डो रेडी है। अब हम यहाँ पर मीठा पानी जो है बनने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर मैंने आधी कटोरी चीनी ली है और हमें आधी कटोरी चीनी ली है तो हमें 4 कटोरी पानी लेना है। मतलब आपको चीनी का 8 गुना पानी लेना है, आधी कटोरी चीनी तो 4 कटोरी आपको यहाँ पर पानी लेना है। इसके अंदर हमें छेना बॉल्स को उबालना है इसीलिए। अब यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर दिया है, हम इसे लो फ्लेम पर उबलने के लिए छोड़ देंगे। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ चीनी मेल्ट हो तब तक ही हमें इसे उबालना है। और जब तक हमारी चीनी मेल्ट होगी तब तक हम फटाफट छेना बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। हमें इसका बहुत ही स्मूथ सा डो रेडी करना होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो बॉल्स है वो उसमें हल्की सी भी क्रैक्स आ रही है, वो अच्छे से अगर नहीं बन पा रही है
तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको इस डो को और भी ज़्यादा गूथने की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा मसलने की ज़रूरत है। और इस तरह से हथेलियों से आप अच्छे से प्रेस करते हुए इसे मसल मसल के अच्छा सा स्मूथ सा डो रेडी करें। अब मैंने यहाँ पर 9 छोटे छोटे से पार्ट्स में इस खोए को डिवाइड कर लिया है और 9 बॉल्स मैं यहाँ पर बनाऊँगी। एक मैं आपको बनाकर बता रही हूँ, देखिए मेरी बॉल जो है वो बिल्कुल भी नहीं फटी है, इसमें बिल्कुल भी क्रेक नहीं आए हैं। और इस तरह से गोल गोल बॉल बनाने के बाद हथेलियों के बीच में हल्का सा इसे प्रेस कर दें, क्योंकि हम यहाँ पर रसगुल्ला नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ पर रसमलाई बना रहे हैं जो कि फ्लैट होती है। अगर 19-20 अगर क्रेक इसके अंदर आता भी है तो इस तरह से आप फिंगर्स की हेल्प से इसे सेट कर लें। बाकी ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल नी के न के बराबर इसके अंदर क्रैक्स है। ये देखिए कितने अच्छे से इसकी बॉल्स बन रही है, बिल्कुल स्मूथ, क्योंकि यहाँ पर हमारा डो जो है बहुत ही परफेक्टली बना है, बहुत ही परफेक्ट बना है, इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आ रहे हैं। मुझे लगभग 8 से 10 मिनट लग गए थे इस डो को बनाने में। बस इसी तरह से हम सारी चना बॉल्स को बनाकर रेडी कर लेंगे। सबसे पहले आप इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें, उसके बाद आप बॉल्स को बनाएं ताकि आपकी सारी रसमलाई जो है वो एक ही साइज़ की बने। ये देखिए मैंने यहाँ पर टोटल 9 चना बॉल्स बनाई है, 1 लीटर दूध से 9 चना बॉल्स बनकर रेडी हुई है। अब यहाँ पर हमारी चीनी भी जो है बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। देखिए हमें किसी तरह का कोई भी तार नहीं बनाना है, और इससे हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ। जब तक हमारी चीनी मेल्ट हो रही थी लो फ्लेम पर, तब तक हमने सारी छेना बॉल्स को बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर बिल्कुल खोलते हुए मीठे पानी के अंदर हम एक एक करके सारी छेना बॉल्स को डालेंगे। खोलते हुए पानी में हम छेना बॉल्स को इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये एकाएक फूल जाए, बहुत ही अच्छे से फूल कर ही ऊपर आ जाए, इसके अंदर बहुत ही अच्छे से ये मीठा पानी जो है चला जाए, रिस जाए इसके अंदर। और लगभग 10 से 15 मिनट के लिए आपको इसे हाई फ्लेम पर बॉईल करना है। हल्के हाथ से आप 5 मिनट बाद इसे टर्न कर लें। आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट बाद ही ये किस तरह से फूल कर ऊपर आ गई है। और जब तक हमारे चना बॉल्स उबल रहे हैं तब तक हम रबड़ी की छोटी मोटी तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर के अंदर हम 4 से 5 चम्मच छोटी चम्मच दूध डालेंगे और इसके बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। हम यहाँ पर ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब जो मैंने 1 लीटर दूध लिया है रबड़ी के लिए वो गाय का दूध है जो कि पतला होता है, बस उसकी रिचनेस को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर 1 चम्मच मिल्क पाउडर ले रही हूँ। अगर आप रबड़ी के लिए और बॉल्स के खोया बॉल्स के लिए दोनों ही दूध अगर भैंस का ले रहे हैं तो आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब यहाँ पर मैंने छेना बॉल्स भैंस के दूध के बनाए हैं तो इसलिए ये अच्छी खासी क्वांटिटी में बन गए हैं। लेकिन अब रबड़ी के लिए मेरे पास जो दूध है वो 1 लीटर है। अब 15 मिनट हो चुके हैं इसे खुले हाई फ्लेम पर पकते हुए, अब इसे ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है जो कि गाय का दूध है, पतला दूध है गाय का, बस इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच मिल्क पाउडर को घोल के रखा हुआ है जो कि हम इसके अंदर डालेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। देखिए यहाँ पे 10 से 15 मिनट के लिए हमारे छेना बॉल्स लो टू मीडियम फ्लेम पर पकेंगे, तब तक हमने दूसरी तरफ गैस पे रबड़ी की तैयारी शुरू कर दी है। मैंने दूध को अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर हमारा मिल्क पाउडर का पेस्ट भी रेडी है और यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी छोटे छोटे बारीक कट कर लिया है। अब हमारे दूध में भी बहुत अच्छे से उबाल आ गया है, हमें दूध को बहुत ही अच्छे से पहले उबाल लेना है, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ केसर के तार। केसर के तार आप इसके अंदर ज़रूर डालें, इसके अंदर केसर का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा लगता है रसमलाई के अंदर। अब हम बीच बीच में हमारे छेना बॉल्स को भी चेक करते रहेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पानी की जो क्वांटिटी है वो कितनी कम हो गई है। अब हम चेक कर लेते हैं इसको हल्का सा प्रेस करके। ये देखिए ये बहुत अच्छे से प्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए मैं इसे बहुत ज़्यादा प्रेस करके भी नहीं बता सकती। इसमें पानी की क्वांटिटी बहुत कम रह गई है इसीलिए हमने इसके अंदर चीनी का 8 गुना पानी डाला था। अब मैंने गैस बंद कर दिया है, अब हम इसे ढक्कन लगाकर नहीं रखेंगे, हम इसे खुला ही रहने देंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे चना बॉल्स को। अब हम इसे कवर करके नहीं रखना है। अब देखिए हमारा दूध भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, इसके अंदर केसर ने भी रंग छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर दिया है ये मिल्क पाउडर जो कि हमने पहले से अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बनाकर रखा हुआ था। अब ये देखिए हमारा दूध जो है लगभग 50% हो चुका है, हमें दूध को बिल्कुल आधा कर लेना है रबड़ी बनाते हुए। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/2 कटोरी से थोड़ी कम चीनी, ये चीनी लगभग 7 चम्मच चीनी है
हमने 8 चम्मच चीनी छेना बोस बनाते हुए डाली थी और 7 चम्मच चीनी रबड़ी के अंदर डाल रही हूँ। थोड़ा सा हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी पाउडर। अगर आप चाहें तो इसके अंदर फूड कलर भी डाल सकते हैं, येलो फूड कलर, लेकिन जहाँ तक हो सके आप लोग हल्दी पाउडर डालें। अब इसके अंदर ऐड किए मैंने 2 से 3 इलायची का पाउडर, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। हल्दी डालने से इसका कलर जो है बिल्कुल मार्केट वाली रबड़ी रसमलाई जैसा हो जाएगा। अब ये देखिए हमने इसके अंदर इलायची डाल दी है, इलायची, केसर, चीनी सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब ये लगभग बन चुकी है, क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ये रबड़ी है, ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी होगी। बस हम इसमें ऐड कर देंगे ये कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद बस आपको 5 मिनट और पकाना है इसको, ताकि हमारे ड्राई फ्रूट जो है वो हल्के से सॉफ्ट हो जाए। आपको रबड़ी को पतला ही रखना होता है, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद गाढ़ी होती है, और उसके अलावा इसको बॉल्स को पिलाने के लिए भी रबड़ी थोड़ी पतली रखनी पड़ती है, हमें इसे गाढ़ा नहीं कर सकते, वरना ये रबड़ी को पी नहीं पाएंगे बॉल्स। ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, हमारा दूध आप देख सकते हो आधे से भी और कम हो गया है। बस अब हम फटाफट इसे एक सर्विंग बोल में डालेंगे चना बॉल्स को। ये चना बॉल्स जो है 80% तक ठंडे हो चुके हैं, सिर्फ इतने ही गर्म है, बस हम इसे छू सकते हैं बहुत अच्छे से। देखिए मैं आपको इसको प्रेस करके दिखाती हूँ कितनी परफेक्ट बनी है। जैसे मैं इसे प्रेस कर रही हूँ और छोड़ने के बाद आप ये देखिए वापस इसकी शेप में, इसकी साइज़ में आ रहे हैं, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। लास्ट में आपको मैं इसे तोड़कर भी बताऊँगी, आप मेरी रेसिपी में एंड तक बने रहिएगा कि हमारी रसमलाई जो है वो कैसी बनी है। ये देखिए हमने सारी बॉल्स को एक बड़े से बॉल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसके अंदर डालेंगे ये रबड़ी। ये रबड़ी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, ये गुनगुनी गरम रबड़ी है। आपको रबड़ी अगर लगता है कि ठंडी हो गई है तो आप इसे थोड़ा सा फिर से गर्म कर लें, क्योंकि हमें इसके अंदर ठंडी रबड़ी बिल्कुल भी नहीं डालनी है। हमें रबड़ी को गुनगुना गर्म ही रखना है, उसके बाद ही इसके अंदर डालना है, तभी हमारी चना बॉल जो है वो बहुत ही अच्छे से रबड़ी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। अच्छी खासी क्वांटिटी में आपको इस रबड़ी को इस चना बॉल्स के अंदर डाल देना है, क्योंकि आपने देखा होगा मार्केट में भी कि रसमलाई के अंदर इस बहुत सारी रबड़ी होती है चना बॉल्स के अंदर, बहुत सारी क्वांटिटी में। अब आपको इसे डायरेक्टली फ्रिज में नहीं रखना है, कम से कम 3 घंटे के लिए इसे ढककर बाहर ही रखना है, ताकि बॉल्स रबड़ी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। अब ये थोड़ी सी रबड़ी बची है, इसकी मैं आइसक्रीम जमा लूँगी, आप जैसे चाहें इसको खा सकते हैं। अब 3 घंटे के लिए मैंने इसे बाहर ही रखा था, और उसके बाद मैंने इसे रात भर फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। कम से कम 3 घंटे आपको इसे ढककर बाहर ही रखना है, ताकि बहुत अच्छे से आपकी रसमलाई जो है वो सेट हो सके, बहुत बिल्कुल मार्केट जैसा इसका टेक्सचर आ सके। बस फटाफट इस ठंडी ठंडी रसमलाई को हम सर्व करेंगे। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। जब भी आपको रसमलाई खानी हो तो आप एक दिन पहले ही रसमलाई बनाकर रख लें और अगले दिन इसे खाएं, क्योंकि इससे काफ़ी टाइम चाहिए होता है सेट होने के लिए। कम से कम 3 घंटे इसे बाहरी सेट करने के लिए रखना होता है, और उसके बाद आप इसे 3 घंटे के लिए कम से कम फ्रिज में सेट होने के लिए रखें, तभी ये बिल्कुल मार्केट जैसी बिल्कुल चिल्ड बहुत ही यम्मी टेस्टी सी रसमलाई बनकर रेडी होगी। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है, आप किसी भी फेस्टिवल पर, किसी भी बर्थडे पार्टी पे, किसी भी ओकेशन पर इस मिठाई को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये सभी को बहुत ही पसंद आती है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। अब मैं थोड़ा सा इसे केसर से डेकोरेट कर रही हूँ। अब मैं आपको ट्रेडिशनल तरीके से रसमलाई भी सर्व करके बताती हूँ। मैंने यहाँ पर एक दीपक लिया है, दीपक के अंदर एक रसमलाई डालेंगे, उसके ऊपर डालेंगे हम रबड़ी, और उसके ऊपर एक केसर का तार रख देंगे, ताकि ये बिल्कुल ट्रेडिशनल वाली मिठाई लगे। ये देखिए रसमलाई ट्रेडिशनल तरीके से खाई जाती है, बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह से खाना। अब मैं आपको एक रसमलाई तोड़कर बताती हूँ ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, कितनी ज़्यादा टेस्टी है। ये देखिए चम्मच लगाते से ही बहुत ही इजीली ये टूट रही है, ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी बनी है। अब इसी तरह की अच्छी अच्छी और इजी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।